दुनिया भर में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 4,56,428 हो गई है। मुतासर अफराद की तादाद 85,83,838 तक जा पहुंची है। अमरीका में मोहलिक वायरस 1,20,688 अफराद की जानें ले चुका है। अमरीका में कोरोना वायरस से अब तक 1,20,688 अफराद मौत के मुंह में जा चुके हैं, जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमूई तादाद 22,63,651 हो चुकी है। अमरीका के अस्पतालों और करंटीना मराकज में 12,11,969 मरीज जेर इलाज हैं, जिनमें से 16,503 की हालत तश्वीशनाक है, जबकि 9,30,994 मरीज अब तक सेहतयाब हो चुके हैं। ब्राजील में कोरोना के मरीजों की तादाद 9,83,359 तक जा पहुंची है, जबकि ये वायरस 47,869 जिंदगियां निकल चुका है। बरतानिया में वायरस से अमवात की तादाद 42,288 तक जा पहुंची है, जबकि कोरोना के केसेस की तादाद 3,469 हो चुकी है। इटली में वबा से मजमूई अमवात 34,514 हो चुकी हैं, जहां इस वायरस के अब तक कुल केसेस 2,38,159 रिपोर्ट हुए हैं। भारत में भी कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है और वो इस फहरिस्त में चौथे नंबर पर आ गया है। भारत में वायरस से 12,604 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि इससे मुतासर मरीजों की तादाद 3,81,091 हो गई है। फ्रांस में वायरस के बायस मजमूई हलाकतें 29,603 हो गई हैं, जबकि कोरोना केसेस 1,58,641 हो गए हैं। स्पेन में कोरोना के अब तक 2,92,348 मुसद्दिका मुतासरीन सामने आए हैं, जबकि इस वबा से अमवात 27,136 पर रुकी हुई हैं। जर्मनी में कोरोना से कुल अमवात की तादाद 8,946 हो गई है, जबकि कोरोना के केसेस 1,90,126 हो गए हैं। वायरस से रूस में कुल अमवात 7,660 हो गई हैं, जबकि इसके मरीजों की तादाद 5,61,091 हो चुकी है। पेरू में वायरस के बायस 7,461 हलाकतें अब तक हो चुकी हैं। ईरान में वायरस से मरने वालों की कुल तादाद 9,272 हो गई है, जबकि वायरस के कुल केसेस 1,97,647 हो गए हैं। तुर्की में वायरस से जानबाँग होने वालों की तादाद 4,882 हो गई है, जबकि कुल केसेस 1,84,031 हो गए हैं। सऊदी अरब में कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 1,139 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि इसके मरीजों की तादाद 1,45,991 तक जा पहुंची है।